आज बस का स्वागत है हम सभी लोगों की तरफ से। हम लोग आज पांचवा दिन है और पिछले चार दिन में कक्षा आठ के बच्चों के साथ हम लोगों ने लक्ष्य को पहचानने का काम, सिर्फ बनना लक्ष्य है या होना लक्ष्य है, तो बनना और बन करके कुछ समय होना इसको लक्ष्य के रूप में पहुँचाने का काम किया गया। कुछ बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे डांसर बनना चाहते हैं, सब बच्चों ने बताया। फिर हम लोगों ने बनने से होना क्या चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, उसको पहचाना। और फिर सुखी समृद्ध होने के लिए सुविधा संबंध और समझ तीनों को सुनिश्चित करना है, इसको हम लोगों ने पहुँचाने का काम किया। सुख और समृद्धि पर भी चर्चा किया। फिर कार्यक्रम के रूप में हम लोगों को ये स्पष्ट हुआ कि जितना भी हमारे जीने का फैलाव है, मानव परिवार, समाज, प्रकृति और स्थिति, इन चारों की व्यवस्था को समझना और इसमें जीना निरंतर सुखी होने का हम लोग का एक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने पिछले चार दिन में मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था की चर्चा को पूरा किया है। आज समाज में व्यवस्था की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समाज में क्या लक्ष्य हो सकते हैं उसको पहचानने का काम किया था। तो समाज में चार लक्ष्य हम लोगों ने पहचाने, तो ये पहचाना कि समाज में हर एक व्यक्ति के लिए सही समझ सुनिश्चित, हर एक व्यक्ति के लिए हो या कुछ लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हो, और समृद्धि कुछ परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए, और आपस में भय हो, अभय हो, प्रकृति के साथ इसको चार लक्ष्य के रूप में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पहचाना। और ये चारों लक्ष्य में पहला लक्ष्य कौन सा होगा जिसको पूरा करने के लिए सबसे पहले, और दो नंबर पे इस क्रम में हम लोगों ने पहचाना। इस चारों लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांच कार्यक्रम भी पहचाने थोड़ी देर पहले। पहला कार्यक्रम है लेकर के विनिमय कोर्स, फिर हम लोगों ने शिक्षा के बारे में बात किया कि शिक्षा क्या है। चार स्तर की जो व्यवस्था जिसमें हमारा जीने का संपूर्ण फैलाव समाहित हो, उस व्यवस्था को समझना ये शिक्षा है। संस्कार के बारे में बात किया कि ऐसा जो चार स्तर की व्यवस्था को हम समझ रहे हैं, वैसा हमारे जीने की तैयारी हो जाए, इसकी ला जाए, हुनर आ जाए, हमारी निष्ठा बन जाए, इसको हम लोगों ने संस्कार के रूप में पहचाना। तो पहले दिन बहुत सारे बच्चों ने बताया था ना कि कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पर किसी आईएएस से मिले नहीं मिले आपको ना। लक्ष्मी समीर मैडम है और जो शिक्षा विभाग है पूरा हमारे प्रदेश का, आप उसकी मुखिया हैं, हेड है ना, प्रमुख सचिव है। और मैं जो है तो कई दिनों में कलेक्टर रही है ना, हमारी डायरेक्टर रही, और भी जो कुछ भी शिक्षा का जो काम चलता है तो मैम के ही मार्गदर्शन में चलता है, क्या करना है, कैसे करना है। ये जो कुछ हम लोग अभी कुछ जो चार पांच दिन से कर रहे हैं वो भी आप ही के अनुमति से और आप ही की गाइडेंस से, मैम ने कहा कि इस पर कुछ काम होना चाहिए, है ना, वैल्यूज पर, लोग मूल्यों पर बात कर रहे हैं। तो आज मैम आप लोगों से मिलने भी आई और देखने भी आई कैसा चल रहा है, तो मैम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम आपसे बात करें। थैंक यू मैम जी। नमस्ते, किस किस को कलेक्टर बनना है, क्यों बनना है कलेक्टर, क्यों बनना है डीएम बोल रहे हैं कलेक्टर बन रहे, जो क्या सोच क्यों बनना है कोई भी बताओ। हाँ, किसने किसने हाथ उठाया, नहीं दो रहे हाथ नहीं भी उठाया था, कोई बात नहीं बताओ, वैसे बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टीचर बनना है किसी को, नहीं क्या बनना है, डॉक्टर, पुलिस वाले बनना है, पुलिस वाले क्यों बनना है, पुलिस देश की सेवा करेंगे, तो देश की सेवा करना मतलब क्या होता है, जो अपराध है उनको कम करना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हाँ, और तो देश की सेवा करना, अपराध कम करना, और कोई तरीके होते हैं जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं, टीचर ही करते देश की सेवा, अच्छा
अभी सरों ने आपसे एक हफ्ते से बात कर रहे हैं, तो जो ये बात बताई कि देश की सेवा या जो भी आप सोच रहे हो कि हम ये बनेंगे, तो इससे क्यों सोचा है, इससे क्या लगता है कि बनेंगे कुछ तो क्या होगा, सुख समृद्धि हो जाएगी। पर अगर पुलिस ऑफिसर बन करके गलत काम करें और क्रिमिनल्स के साथ मिल जाए तो नहीं होगी, तो फिर क्या फर्क क्या पड़ा? मतलब अगर आपको सही अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना एक चीज हुई है ना, अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना दूसरी चीज हुई, तो अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा? सुख समृद्धि आएगी। तो सुख का मतलब क्या, अभी क्या समझना है, क्या मतलब, क्या सीखा, क्या है? चलो जो मैं पूछने छोड़ दूँगी, अभी इस 5 दिन में क्या समझना है, क्या सीखा? हाँ बारी बारी से पीछे से आप बताओ, चल पीला पीला वाला, हाँ आप क्या समझना है, नाम बताओ। करीना। करीना, अरे वाह। हाँ मेरा नाम करीना है। सर ने समझाया कि प्रयास बढ़ना करना पाना होना, इसे अपन प्रयास करेंगे कुछ पढ़ेंगे उससे कुछ बनेंगे, फिर बच्चे जो बनेंगे उसका डॉक्टर बनेंगे तो इलाज करेंगे, फिर उससे पैसे कमाएंगे, फिर उससे सुख समृद्धि निकालेंगे, और फिर सही समाज सुविधा नहीं सही समाज और संबंध और सुविधा, ये समझाया और बहुत कुछ है। इधर से कोई बताओ, आप बताओ आपका क्या नाम? मेरा नाम करिश्मा राजपूत है। मैडम सर ने हमें चाहना समझाया सबसे पहले, तो चाहने में प्रयास बनाना करना पाना होना, जैसे कि मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके लिए पहले प्रयास करूंगी, फिर जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो लोगों का इलाज करूंगी, पैसा कमाऊंगी, सम्मान पाऊंगी और उन्हें मैं सुख और समृद्धि पाऊंगी। अच्छा वेरी नाइस। और कौन बताएगा, आपसे तो बहुत बात हुई। हाँ और पीछे इधर कोई, चलो तुम बताओ जल्दी से बताओ, क्या समझना है, सबसे अच्छा क्या लगा पानी? सही समझ संबंध सुविधा। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सर ने समझाया। और आप बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा लक्ष्य के बारे में लगा, हम लक्ष्य बनना समझते थे लेकिन लक्ष्य कुछ बनना नहीं होता, होना होता है, बनकर कुछ करना पाना और उसके बाद होना सुख समृद्ध होना ही लक्ष्य होता है। ओके जो आपने सीखा, बाकी क्या करना, अगर डॉक्टर बनेंगे पहले प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे प्रयास करेंगे बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, उस पर इलाज करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, सम्मान होगी, प्रसिद्धि होगी और फिर सुख समृद्धि। से जो आप लोग अभी सीख रहे हो ये बहुत बड़े बड़े उम्र में भी लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ इधर पीछे से आप बताओ बेटा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, नया क्या सीखा पिछले 5-6 दिन में, आप बताओ। हाँ मेरा नाम सिद्धत साहू है। जो सर ने सुविधा के बारे में समझाया सही समय संबंध सुविधा, ये सब इधर से मैं बताऊँ, घर में जाके मम्मी से क्या बात करी या पापा से या बच्चों बहन भाई से, क्लास में जो सीखा उसके बारे में घर में जाके किससे बात करी थी? घर में जाके बात करी थी? यस क्या मैं हमारी मम्मी से की थी कि जो सर ने समझाया हमें बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने भी बोला अच्छे से पढ़ाई करना और सब समझ लिया।
क्या? ठीक है, ठीक है। जो सर लोग जो आपको बहुत सारा ड्राइंग वगैरह करवा के बनवा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको कम समझ में आ रही है? वैसे पूछी हूँ क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये किताब बनेगी, फिर बाकी बच्चे पढ़ेंगे इससे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है ठीक से, तो आपको सर को बताना चाहिए कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो फिर सब बच्चे आपकी तरह से बाकी जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें भी वो चीज नहीं समझ में आएगी। तो कोई ऐसी चीज है जो लग रहा है मुश्किल है, नहीं समझ में आ रही, इसमें दिक्कत आ रही हो? नहीं, सब होशियार बच्चे, सब समझ में आ गए? वाह, वेरी गुड। धीरे कोई शब्द कोई ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है जो नहीं समझ में आ रहे हैं? जैसे अभी सर ने कहा अनुसरण, अनुकरण, ऐसी चीजें, कोई चीज, मतलब ये तो मैं उदाहरण दे रही हूँ, उस तरह की कोई और चीज है जो मुश्किल लग रही है? जो एक्टिविटीज कराएंगे वो डॉक्टर संगीता गौर सचान, आईएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर।
आगे बोले थे। नमस्ते मैम, सुनीता शेंडे आईसी भोपाल एमएड छात्रा थे। नमस्ते मैम, मैं अलमास बेग आईएसी भोपाल में एमएड द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ। नमस्ते मैम, मैं मोहम्मद अमीन शेख आईएसी भोपाल में एमएड फाइनल का स्टूडेंट हूँ और आईसी इंजीनियरिंग का पदस्थ। नमस्ते मैम, मैं शैलेश कुमार लोधी माध्यमिक शिक्षा आईएसए में एमएड की शिक्षार्थी हूँ, एमएड फाइनल का स्टूडेंट। मैं रवि कांत ठाकुर आईएसए में। मैं निशा जी जो है वो भानु जी की पत्नी है, वो बच्चों के साथ होगी जी। तो हम सभी लोग मैडम को धन्यवाद देते हैं।